अगर आप ऐसे इंस्ट्रक्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो बरए मेहरबानी इस वीडियो को स्किप कर दें। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेथड कैलकुलेटर हैक्स लेक्चर सीरीज। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो न्यूमेरिकल मेथड्स, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड को कैसियो fx-991 EX+ की मदद से चंद मिनट में कैलकुलेट करना सीखेंगे, और वो भी बगैर किसी एरर के। लेट्स से हमें ये क्वेश्चन गिवन है। ये एक 3x3 का सिस्टम है, मतलब इसमें तीन इक्वेशंस और तीन ही वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेटर पे हम जैकोबी मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसके लिए इस सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। इसमें हमारे पास x1, x2 और x3 के आइटरेटिव फार्मूलाज हैं। तो चलते हैं कैसियो fx-991 EX+ की तरफ। तो सबसे पहले हम मेन्यू में जाके स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे। ये स्प्रेडशीट बिल्कुल एक्सेल की तरह है, लेकिन अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको आप साथ साथ भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इनिशियल गैसेस को A1, B1 और C1 में पुट करते हैं। तो A1 क्या है, ये जो ब्लैक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ A1, ए कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो इधर हम इनिशियल गैस पुट करेंगे 0। यहाँ पर हम ए कॉलम को x1 की वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, बी कॉलम को हम x2 की वैल्यूज़ के लिए, और इसी तरह सी कॉलम जो है हमारे पास x3 की वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। अब इसी तरह जो x2 का इनिशियल गैस है उसको हम b1 में प्रेस करेंगे, दैट इज 0। अब सिमिलरली जो x3 की वैल्यू है इनिशियल, दैट इज 0। क्योंकि इनिशियल गैसेस अमूमन जैकोबी और गॉस सीडल में 0-0 ही होते हैं, तो हम x3 के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है आइटरेटिव फार्मूलाज को इंसर्ट करने की, इस पर आपने खास वजह देनी है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन का बटन है इसको प्रेस करना है, और 1 प्रेस करके फिल फार्मूला करना है। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद राइट एरो प्रेस करें और ब्रैकेट, और फार्मूला हमारे पास 7 + 2x3 / 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 + 2x3 की जो फर्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर जो कि हम सी कॉलम के ज़रिए x3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी विल राइट सी, जिसे हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्रेस करके एक्स इनवर्स को प्रेस करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा, और फर्स्ट वैल्यू इसकी है c1, तो आई विल राइट c1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज एंड देन डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आएंगे बाई प्रेसिंग इक्वल, तो ये हमारे पास रेंज आ गई है। रेंज का मीनिंग ये है कि हमने फार्मूला कितनी नंबर ऑफ़ रोज में पेस्ट करना है, सादा लफ्ज़ों में कि हमने कितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस करनी है। लेट से मैंने 10 आइट्रेशंस करनी है, आई विल राइट a2 to a11, तो मेरे पास 10 आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रेस इक्वल, अगेन इक्वल, तो आपको एक कॉलम ए में तमाम कैलकुलेशंस नज़र आ रही होंगी। और अगर आप इस फार्मूला में देखें तो इसका आइटरेटिव फार्मूला है 7 + 2 c1, मतलब जो फर्स्ट हमारा इनिशियल गैस है ये इस वैल्यू को यूज़ कर रहा है, प्रीवियस वैल्यू को। ये रो 2 के अंदर c1 फार्मूला है, रो 3 में ये c2 की वैल्यू को यूज़ करेगा, यानी कि हर नेक्स्ट आइटरेशन में ये प्रीवियस वैल्यूज़ जो कैलकुलेट हुई हुई हैं, जो बिल्कुल कंजेक्टिव हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा, जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन में करते हैं। अब हम चलते हैं b2 में, और इसके अंदर हम x2 का आइटरेटिव फार्मूला पुट करते हैं। तो प्रोसीजर सेम है, अगेन आप ऑप्शन को प्रेस करेंगे, और उसके बाद 1 फॉर फिल फार्मूला, राइट एरो, ब्रैकेट, और उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं 2 - 3x1। अब x1 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, a1, तो आई विल राइट अल्फ़ा, ये डैश ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है, इट विल गो फॉर a1 -x3 के लिए हम यूज़ करेंगे c1, आई विल राइट c1 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाय 5। जब यह फार्मूला लिख लें तो एक दफ़ा उसे ज़रूर चेक करें क्या ये ठीक लिखा हुआ है या नहीं, माइनस साइन सही लिखे हुए हैं, जो कोफिशेंट्स हैं वो सही लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती इस फार्मूले में हो गई तो तमाम कैलकुलेशंस आपकी गलत हो जाएंगी। ओके जी, फार्मूला हमारा ठीक है। प्रेस इक्वल, रेंज हमें पता है हमने 11 तक रखना है, तो b11 इक्वल एंड अगेन इक्वल। हमारे पास कॉलम b में भी
तमाम कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अब हम सी में जाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट को देखेंगे। सी टू अगेन ऑप्शन फिल फार्मूला राइट एरो ब्रैकेट, इसका फार्मूला है -4 + 3x2। अब x2 क्या है, b1, तो अल्फा प्रेस करें और ये फैक्टोरियल b1 ÷ 4। अगेन रेंज जो है वो हम रखेंगे 11 तक, एन प्रेस इक्वल। बस इतना काम आपने करना है ध्यान से और अब आपके पास ये सारे का सारा सवाल कैलकुलेट हो गया। कहाँ तक, 10 आइट्रेशंस तक। ये है जी आपकी फाइनल आइट्रेशन। अब हम यहाँ पर अगर स्क्रीन पे देखें तो हमें फार्मूला नज़र आ रहा है, जबकि बैक एंड पे देखें जो स्प्रेडशीट है इसके अंदर हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 4 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा की वैल्यूज़ भी हम चेक कर सकें तो, और ये फार्मूला हमें नज़र ना आए, तो उसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, शिफ्ट सेटअप डाउन, 4 फॉर स्प्रेडशीट, 2 फॉर शो सेल्स। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने फार्मूला शो करना है या वैल्यू को। अब हमें वैल्यूज़ चाहिए तो हम 2 को प्रेस करेंगे, तो अब हमें ये तमाम वैल्यूज़ फार्मूले की बजाय नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे पास 4 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये रहा आपका सवाल, जिसके अंदर जो फर्स्ट रो है ये आपके पास इनिशियल गैसेज हैं और उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड, थर्ड, ये तमाम रोज़ आपके पास आती जाएंगी। इसको आप इसी तरह बेशक टेबल बना लें या आइट्रेशन वाइज आंसर्स लिखते जाएं। आपको बार बार जो इक्वेशन है वो आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार जब भी आप फार्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा पुट कर दें और 2 दफ़ा उसको या 3 दफ़ा वेरीफाई कर लें तो फिर आपके गलती के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ रहेगी कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम कोई और डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लें आंसर को, जैसे 5 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, जैसे यहाँ पर देखें बटे की फॉर्म में आंसर आ रहा है, अगर मुझे ये डेसिमल की फॉर्म में आंसर चाहिए तो इसके लिए आप ये ST वाला बटन प्रेस करेंगे, ये जो हाईलाइटेड हुआ है आपके सामने, तो आपके पास आंसर 0.9892 आ रहा है। और इस तरह यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर ने कहा है कि भाई आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होनी चाहिए। तो जिस तरह हम नॉर्मल कैलकुलेशंस में अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेते हैं, तो क्या स्प्रेडशीट में भी हम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने शिफ्ट अगेन सेटअप में जाना है, ओप्स शिफ्ट आई थिंक प्रेस नहीं हुआ, शिफ्ट सेटअप AC दोबारा दबा लेते हैं, शिफ्ट सेटअप। तो यहाँ से आपके पास थर्ड नंबर फॉर्मेट आ रहा है, तो प्रेस 3, फिक्स 1, कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 3। तो मेरे पास आप ये देखें आंसर्स तमाम स्क्रीन के ऊपर 3 डेसिमल प्लेसेस तक नज़र आ रहे हैं और ये तमाम के तमाम आंसर्स राउंड ऑफ हो रहे हैं। अगर कोई बटा आ जाए तो उसे आप ST दबा कर डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये था सवाल हमारा जैकोबी मेथड का, और इसी सवाल को हम गॉस सीडल के ज़रिए दोबारा करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल और इसके साथ गॉस सीडल के फार्मूलाज X1, X2 और X3 के लिए। जैकोबी और गॉस सीडल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गॉस सीडल अपडेटेड वैल्यू को उसी आइट्रेशन में यूज़ कर लेता है, जबकि जैकोबी जो है वो अपडेटेड वैल्यू को नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करता है। तो सबसे पहले मुझे जो ये स्प्रेडशीट है इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसके लिए आई विल यूज ऑप्शंस डाउन डिलीट ऑल। तो आपके पास डिलीट हो गया, वही आप सारा प्रोसीजर, पहले हम इनिशियल गैसेस लिखेंगे, तो जल्दी से इनिशियल गैसेस लिख लें। ओके, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे X1 का फॉर्मूला, ऑप्शन हमें यहाँ प्रैक्टिस हो गई है, ऑप्शन फिल फार्मूला राइट ब्रैकेट 7 + 2x3। तो आई विल राइट 2 C1,
अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास सी वन लिखा नहीं आया, तो इसे हम सही कर लेते हैं, डेल अल्फा सी वन। तो बाज़ का हम अल्फ़ा प्रेस करते हैं तो गलती से नहीं होता, इस चीज़ को हमने ये हम देख लेना है कि फार्मूला आप ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा फार्मूला को चेक कर लें तो ये अच्छा है, इंस्टेड के आप अपने प्रोसीजर से जिस तरह आप पहले पढ़ रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप बार बार आप छः दफ़ा फार्मूले को चेक करें, क्योंकि अगर 10 आइट्रेशन कर रहे हैं तो एक एक दफ़ा भी तो देखना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप इधर फार्मूले को दो दफ़ा चेक कर लें। होल डिवाइड बाय 5, रेंज हम रखते हैं वही 10 आइट्रेशन की तो 11 तक इक्वल। इसी तरह अब हम B2 में लिखेंगे, फिर फार्मूला राइट एरो ब्रैकेट द फार्मूला इज 2 - 3 x1, तो आई विल राइट A2, चूँकि x1 की वैल्यू अपडेट होगी तो वो मेरे पास A2 में आ गई थी तो मैं अब A2 को यूज़ करूँगा, तो अपडेटेड वैल्यू के लिए हम A2 यूज़ करेंगे माइनस x3, चूँकि x3 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट नहीं की तो आई विल यूज़ C1 प्रीवियस वैल्यू। इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 5, बाकी सारा फॉर्मूलेशन वही है, रेंज 11 इक्वल। अब C2 में हम फिल फार्मूला ब्रैकेट, ओके इसका फार्मूला है -4 + 3 x2। अब x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है तो वी विल राइट B2 इंस्टेड ऑफ B1 डिवाइड बाय 4 इक्वल एंड 11। तो ये देखें आपके पास तमाम आंसर्स नज़र आ रहे हैं 3 decimal places तक, क्योंकि अभी हमने फिक्स किया था 3 decimal places तक। और अगर आप देखें थोड़ा सा इस साइट्रेशन में हमें फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल ज़्यादा सॉल्यूशन के करीब हो गया, सॉल्यूशन हमारा क्या था 101, तो दिस इज़ 0.99 जो कि 1 आपको नज़र आ रहा है, राउंड ऑफ हो के 0.0005 तो वो आपके पास 0 बन रहा है, और -1 तो ये आपको -0.99 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो गॉस सीडल है वो जैकोबी मेथड से थोड़ी फास्टर कन्वर्जेंस रखता है। तो ये रहा आपका सवाल, उम्मीद है कि आपको इस हैक का फ़ायदा होगा और ये आपको आसान लगा होगा। फिर भी कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर आप कोई मज़ीद न्यूमेरिकल मेथड्स के कैलकुलेटर हैक्स चाहते हैं तो उन मेथड्स के नाम भी ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ये कैलकुलेटर हैक आपको आसान लगा हो या इस कैलकुलेटर हैक ने आपका पेपर्स के अंदर फ़ायदा किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।